मेथड ऑफ वाटर कंटेंट डिटरमिनेशन। अब हमको क्या देखना है बेटा कि इस पूरी सॉइल मैकेनिक्स में जो हमने वाटर कंटेंट एक टर्म पढ़ा है, क्या टर्म पढ़ा है हमने कि वाटर कंटेंट बराबर वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड्स, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड्स। उस वाटर कंटेंट को मान लीजिए आपके कोई घर बनना है किसी ग्राउंड पे, वहां से आप मिट्टी लेके आए, मिट्टी गीली है, गीली का मतलब उसमें पानी प्रेजेंट है, तो कितना वाटर उसमें प्रेजेंट है उस वाटर को हमें फाइंड आउट करना है। तो वाटर कंटेंट बराबर वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड्स, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड्स, उस चीज को हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे उस वाटर कंटेंट को? फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कई मेथड हैं, जो मेथड आपको यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। सबसे पहला मेथड बेटा ओवन ड्राइंग मेथड। कौन सा मेथड है? ओवन ड्राइंग मेथड। सबसे पहला मेथड है आपका ओवन ड्राइंग मेथड। अब ये इस मेथड के बारे में समझेंगे कि ये मेथड कौन सा होता है, इसकी सहायता से हम लोग कैसे हम लोग फाइंड करते हैं क्या वाटर कंटेंट। दूसरा है बेटा सैंड बाथ मेथड, सैंड बाथ मेथड हो गया। तीसरा हो गया बेटा एल्कोहल मेथड, और चौथा हो गया कैल्शियम कार्बाइड मेथड। नेक्स्ट है आपका रेडिएशन मेथड। वाटर कंटेंट फाइंड आउट करने के लिए एक पिकनोमीटर मेथड भी होता है। कौन सा होता है? इसमें आप नोट कर लीजिए, पिकनोमीटर मेथड। कौन सा है? पिकनोमीटर मेथड, पिकनोमीटर, पिकनोमीटर मेथड। इस मेथड को भी आप नोट कर लीजिए। ये मेथड तब हम लोग यूजफुल होता है, तब हम लोग इसका यूज करते हैं जब किसी सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी पता हो। स्पेसिफिक ग्रेविटी जब सॉइल की पता होती है तब हम इस मेथड को यूज करते हैं। इसमें ये मेथड यूटिलाइज में आता है जब हमें सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी पता हो, तो ये मेथड कहलाता है हमारा पिकनोमीटर मेथड। कौन सा मेथड है? पिकनोमीटर मेथड। अब इस वाटर को कैसे फाइंड आउट करना है, उसके लिए हमें कुछ टेस्ट जो दिए गए हैं वो हमें समझने हैं। सबसे पहला टेस्ट है आपका ओवन ड्राइंग टेस्ट, ओवन ड्राइंग मेथड जिसको हम लोग बोलते हैं। इट इज़ अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग टेस्ट, ये काफ़ी टाइम कंज्यूम करता है, और ये बेसिकली आपका लैब मेथड है, नॉट फील्ड मेथड। ये कि हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं इसको? लैब में यूज़ करते हैं हम लोग। तो अब लैब में कैसे यूज़ करते हैं, शुरुआत देखिए कैसे करते हैं। अब देखिए इस मेथड को हमें फाइंड आउट करना है वाटर का कंटेंट, यानी कि हाउ मच वाटर प्रेजेंट इन द वॉइड्स ऑफ सॉइल। किसी भी सॉइल के वॉइड्स में कितना वाटर आपका प्रेजेंट है, हमको ये चीज यहाँ पे कंसीडर करनी है। तो देखिए बेटा सबसे पहले हम लोग जो कंसीडर करेंगे ये है आपका ओवन। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा ओवन ड्राइंग मेथड। ओवन ड्राइंग मेथड का मतलब हम ओवन में ड्राई करके वाटर कंटेंट को फाइंड आउट करेंगे। हम ग्राउंड गए जहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन करना है, वहाँ पे हमने खुदाई करी, वहाँ से हमने मिट्टी निकाली। मिट्टी कैसे थी? गीली, मॉइस्ट सॉइल। मॉइस्ट सॉइल का मतलब गीली मिट्टी। जब गीली मिट्टी का मतलब मिट्टी में क्या प्रेजेंट है, मिट्टी में क्या प्रेजेंट है? वाटर, इसीलिए तो वो गीली है। जब गीली मिट्टी हम लोग लेके आए, अब हमें उसको पता करना है कि हाउ मच वाटर टू बी प्रेजेंट इन दैट सॉइल। उस मिट्टी में कितना पानी हमारा मिला हुआ है, उस मिट्टी में हमारा कितना पानी मिला हुआ है उसको हमें फाइंड आउट करना है। जब हम उस मिट्टी में मिले हुए पानी को फाइंड आउट करना है, तो अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा। ये है हमारा कंटेनर, ये है हमारा कंटेनर। तो कंटेनर का सबसे पहले हमने ये वेट हम लोगों ने काउंट कर लिया, कंटेनर का वेट काउंट कर लिया। कंटेनर का वेट काउंट करने के बाद में हमने इसमें क्या भरी? सॉइल भरी। सॉइल भरने के बाद में हमने इसको काउंट फिर वेट कर लिया, तो फिर वेट कर लिया। वेट करने के बाद में उसी सॉइल को निकाल कर इस ओवन के अंदर रख देते हैं, इस ओवन के अंदर रख देते हैं। ये होती है बेटा भट्टी, इलेक्ट्रॉनिक भट्टी है ये, इलेक्ट्रॉनिक भट्टी। जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक हीटर देखे होंगे वैसी ये इलेक्ट्रॉनिक भट्टी होती है। तो जब इस मिट्टी को इस भट्टी के नीचे अंदर रखेंगे, इस ओवन के अंदर रखेंगे, तो इसमें जितना भी मॉइस्चर प्रेजेंट होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? इवेपोरेट हो जाएगा, यानी कि ये मिट्टी हो जाएगी सूखी। इसमें जितना पानी प्रेजेंट है वो बाहर निकल जाएगा। फिर हम इसको बाहर निकालेंगे, बाहर निकालने के बाद में फिर हम इसमें वेट करेंगे, उसका वेट कर लेंगे इस तरीके से। फिर उसका जो भी वेट होगा तो वो किसका सॉइल आ जाएगा? कंटेनर प्लस ड्राई सॉइल का आ जाएगा। किसका वेट आ जाएगा? कंटेनर प्लस ड्राई सॉइल का। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि हमें करना क्या क्या है। वेइंग मशीन है, वेइंग जो वेट मापती है,
ये है आपका कंटेनर जिसमें हमको सॉइल भरनी है, और ये है हमारी भट्टी जिसमें हम लोगों को क्या करना है, मिट्टी को सुखाना है। अब देखिए हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, आगे चलते हैं हम लोग। क्या है कि इट इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड यूज्ड फॉर डिटरमिनेशन ऑफ, अभी आपको समझाते हैं। हाँ ये देखिए, अब हमारा क्या हुआ कि कंटेनर है, कंटेनर मान लीजिए जो ये सर्कलाकार में इस तरीके से कंटेनर बना हुआ था, उस कंटेनर का हमने वेट कर लिया, तो उसका वेट कितना है W, उस वेइंग मशीन में, उस तौलने वाली मशीन में सबसे पहले हमने उसको उठा के रख दिया, तो वो हमारी हो गई W1। जो सॉइल हम लोग ग्राउंड से निकाल के लाए थे उसको हमने इसमें क्या कर दिया, फिल कर दिया। तो जब हमने इसको उठा के यहाँ पे फिल कर दिया तो ये कैसी मिट्टी है, मॉइस्ट सॉइल, मॉइस्ट सॉइल है। कैसी है, मॉइस्ट सॉइल। मॉइस्ट सॉइल का मतलब क्या है, गीली मिट्टी है। कैसी है, गीली मिट्टी है, गीली मिट्टी। ये आपकी सॉइल कैसी है, गीली मिट्टी है, गीली मिट्टी है। गीली मिट्टी को हमने इसमें उठा के भर दिया, यानी कि अब ये हमारी, ये गीली मिट्टी हमारी इसमें ये भर गई हमारी गीली मिट्टी। तो इसका वेट हो गया हमारा W2। जब हमने इस W2 को वेट कर लिया उस तौलने वाली मशीन में, इसके बाद हमने इसको उठा के रख दिया किसमें, ओवन में, भट्टी में, भट्टी में, भट्टी से जब हम लोग इसको निकाले किसी भी टेम्परेचर पे, हमने इस भट्टी से इसको हमने क्या किया, उसको भट्टी के अंदर रख दिया। जब भट्टी के अंदर रख दिया तो ये मिट्टी हो गई हमारी सूखी, ये मिट्टी हमारी सूख गई। तो इसका वेट फिर हमने दोबारा कर लिया, इसका वेट कहलाएगा W3। इसका वेट क्या कहलाएगा, W3। इसका वेट कहलाएगा W3, ड्राई सॉइल, ड्राई सॉइल प्लस कंटेनर। इसमें मॉइस्ट सॉइल प्लस कंटेनर है, गीली मिट्टी प्लस कंटेनर, यह है वो केवल कंटेनर। ये इस तरीके से तो ये हो गया हमारा। अब देखिए इसमें भी समझाया गया है, ये है बेटा आपका कंटेनर जिसका वेट W1, इसमें मिट्टी भर दी गई मॉइस्ट सॉइल, फिर ये हो गया आपका आपका W2। इसको 105 से 110 डिग्री सेल्सियस एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, अगर 110 के ऊपर जाएंगे तो स्ट्रक्चरल वाटर हमारा खत्म हो जाएगा, स्ट्रक्चरल वाटर भी काउंट हो जाएगा, इसलिए हम लोगों को क्या करना है, केवल ग्रेविटी वाटर और कैपिलरी वाटर को हमको फाइंड आउट करना है। तो 110 से 105 के बीच में हम लोग इसको हीट कर देंगे, हीट करने के बाद में जो मिट्टी हमारी बचेगी वो ड्राई सॉलिड का वेट हो जाएगा W3। अब जब ये W3 मिल गया हमको, तो हमें फाइंड आउट करना है वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट का मतलब क्या होता है, वाटर कंटेंट बराबर क्या होता है कि वाटर कंटेंट का अगर हम लोग फॉर्मूला देखें तो वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। तो वेट ऑफ वाटर हमें कैसे मिलेगा, जरा हम यहां से पता कर लें। W2 माइनस W1 अगर हम लोग करें, W2 माइनस W1 अगर हम लोग करें तो ये हमारा किसका, मॉइस्ट सॉइल का वेट आ जाएगा, किसका आ जाएगा, ये तो मॉइस्ट सॉइल का जाएगा। लेकिन अगर हमें इसमें W3 माइनस W1 कर दें, W3 माइनस 1, ये ड्राई सॉइल है, ये गीली मिट्टी है, तो W2 माइनस W3 कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। देखिए कंटेनर से कंटेनर कैंसिल, मॉइस्ट सॉइल का मतलब इसमें प्रेजेंट है वाटर, इसमें प्रेजेंट है वाटर प्लस सॉलिड, वाटर प्लस सॉलिड, इसमें क्या प्रेजेंट है, केवल और केवल सॉलिड, वाटर इससे इवेपोरेट हो गया है। तो वाटर प्लस सॉलिड माइनस का ड्राई, ये माइनस का सॉलिड, जब हम लोग करेंगे तो वेट ऑफ वाटर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या कर लिख सकते हैं, W2 माइनस का W3, W2 माइनस W3, तो वेट ऑफ वाटर आ गया। वेट ऑफ सॉलिड हमें पता करना है, तो वेट ऑफ सॉलिड में क्या करेंगे, सॉलिड हमको ड्राई में चाहिए, तो ड्राई प्लस कंटेनर, ये कंटेनर, तो W3 माइनस W1 कर दें तो कंटेनर कंटेनर हमारा कैंसिल, कंटेनर कंटेनर हमारा कैंसिल, हमें केवल ड्राई सॉइल मिल जाएगी, हमें केवल ड्राई सॉइल का वेट मिल जाएगा। तो यानी कि W3 माइनस का W1 कर दें तो हमारा वाटर कंटेंट मिल जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट, अगर हम इसको परसेंटेज में लिखना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका वाटर कंटेंट फाइंड आउट हो जाएगा।
अब देखिए जरा इसकी डेफिनेशन क्या क्या कहती है। अब इसमें क्या कहता है ये ओवन ड्राइंग मेथड में, इट इज़ द मोस्ट एक्यूरेट मेथड यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट लेबोरेटरी। अगर आपसे कभी पूछा जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या कहीं भी पूछा जाए कि वाटर कंटेंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे मोस्ट एक्यूरेट मेथड कौन सा है, तो ओवन ड्राइंग मेथड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्यूरेट मेथड। ये कौन सा हो जाएगा ओवन ड्राइंग मेथड। दूसरा इसमें टर्म क्या है, इट इन दिस मेथड वाटर कंटेंट कैन बी कंप्यूटेड फॉलोइंग स्टेप्स। ये दिए हुए नीचे स्टेप्स में आपका वाटर कंटेंट फाइंड आउट करते हैं हम लोग, नीचे ये जो स्टेप्स सारे मेंशन है उस स्टेप्स में हम लोग वाटर कंटेंट फाइंड आउट करते हैं। मॉइस्ट सैंपल, जो गीला सैंपल है, जो गीली मिट्टी है ऑफ द सॉइल, किसी भी सॉइल का जो मॉइस्ट गीला सैंपल है, टू बी डिटरमाइंड फॉर इट्स मॉइस्चर कंटेंट इज प्लेस्ड इन एन एम्प्टी कंटेनर, जो खाली कंटेनर उसमें भर देंगे, दैट इज इनिशियली वेट डब्ल्यू वन, और उसका हम लोग वेट क्या हो जाएगा डब्ल्यू वन। लेट द वेट ऑफ द कंटेनर विथ मॉइस्ट सॉइल, मॉइस्ट सॉइल के साथ में अगर हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा डब्ल्यू टू, एम टू नहीं है सॉरी डब्ल्यू टू। द कंटेनर विद मॉइस्ट सॉइल इज प्लेस्ड इन अ टेम्परेचर कंट्रोल्ड ओवन एंड ड्राइंग फॉर द सैंपल कैरियड आउट 105 से 110 डिग्री सेल्सियस के बीच में। अगर हम इसको ओवन के अंदर इसको रख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जो भी हमारी सॉइल के अंदर पानी प्रेजेंट है वो एवेपरेट होकर बाहर चला जाएगा और हमारी केवल ड्राई सॉइल यानी कि सॉइल सॉलिड्स बचेंगे। फॉर इनऑर्गेनिक सॉइल, इनऑर्गेनिक सॉइल का मतलब होता है बेटा कि जैसे आपके कंकड़ पत्थर बजरी ग्रेवल, ठीक है ना, पत्थर, ये सब सवाल सारे होते हैं हमारे इनऑर्गेनिक सॉइल। कौन से होते हैं इनऑर्गेनिक सॉइल, और ऑर्गेनिक सॉइल का मतलब पेड़ पौधे पत्तियां फूल कागज इनसे जो मिलकर डिकम्पोज होकर जो सॉइल बनती है वो हमारी कहलाती है ऑर्गेनिक सॉइल। कौन सी कहलाती है ऑर्गेनिक सॉइल, ऑर्गेनिक सॉइल वो हमारी सॉइल कहलाती है ऑर्गेनिक सॉइल, जो पेड़ पौधे पत्तियों से मिलकर बनी होती है वो हमारी ऑर्गेनिक सॉइल कहलाती है, और जो कंकड़ पत्थर बजरी से मिलकर बनी होती है वो हमारी इनऑर्गेनिक सॉइल होती है। तो इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए हम लोग 105 से 110 डिग्री सेल्सियस के बीच में हम लोग उसको हम लोग हीट कर सकते हैं। फॉर इनऑर्गेनिक सॉइल लाइक सैंड, जैसे कि सैंड है, ड्राइंग इज रिक्वायर्ड, ठीक है ना। फॉर इनऑर्गेनिक सॉइल लाइक सैंड ड्राइंग इज रिक्वायर्ड, ड्राइंग बहुत जरूरी होती है। फॉर 4 आवर्स, 4 घंटे के लिए उसकी ड्राइंग बहुत नेसेसरी है। एंड फॉर क्लेज एंड सिल्ट इज रिक्वायर्ड फॉर द 12 to 16 आवर, अगर हम लोग को क्ले या सिल्ट के बारे में उसको हम लोग हीट करना है तो वो 12 से 16 घंटे के आसपास हम लोग इसको हीट करेंगे। हाउ यूर ड्राइंग इज कॉन्टिन्यूड अप टू 24 आवर्स इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट कम्प्लीट रिमूवल ऑफ मॉइस्चर, लेकिन हम लोग अगर हमें लगेगा कि अभी सॉइल में मॉइस्चर प्रेजेंट है तो हम उसको 24 घंटे तक के लिए हीट करेंगे ताकि सारा पानी हमारी सॉइल से इवेपरेट हो जाए, सारा पानी हमारा सॉइल से बाहर हो जाए। तो ये इसका प्रोसेस है फॉर ऑर्गेनिक सॉइल। अगर हम यही बात करते हैं किसी ऑर्गेनिक सॉइल के लिए, वो सॉइल जो पेड़ पौधे पत्तियों से डिकम्पोज होकर मिक्स होकर सड़ गल करके जो सॉइल मिट्टी बनी है, अगर हम उस सॉइल के बारे में हम वाटर कंटेंट फाइंड आउट करते हैं तो ओवन में यानी कि किसी भी भट्टी में उसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं रखा जाएगा। कितना, 60 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं रखा जाएगा, कि अगर इससे ज़्यादा कर दिया जाएगा तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वो जल जाएगा, वो क्या हो जाएगा, जल जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका, इफ सॉइल कंसिस्ट ऑफ जिप्सम, अगर सॉइल जिप्सम, अगर किसी भी सॉइल में जिप्सम मिला हुआ है इन हाई कंसंट्रेशन टेम्परेचर इज नॉट रेज बियॉन्ड 80 डिग्री सेल्सियस, अगर हमारे सॉइल में हमने देखा कि जिप्सम मिला हुआ है CaSO4 into 2H2O, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 into 2H2O, अगर हमने 80 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हमने इसको एवेपरेट कर दिया तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें भी पानी मिला हुआ है जिप्सम में, इसका जिप्सम का पानी एवेपरेट हो जाएगा, जिप्सम का पानी इवेपोरेट होने लगेगा, यानी तो आपको रियल वैल्यू वाटर कंटेंट की नहीं मिलेगी। तो इसलिए हम जिप्सम के केस में हम लोग 80 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हम लोग टेम्परेचर इस पर नहीं कर, ज़्यादा हीटेड नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, तो ये वही आपको प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया, वाटर कंटेंट बराबर वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। ये देखिए, वाटर कंटेंट बराबर वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। नेक्स्ट क्या है, वेट ऑफ वाटर बराबर W2 - W1, वेट ऑफ वाटर बराबर W2 - W3, यानी कि इसमें मॉइस्ट सॉइल है, मॉइस्ट सॉइल में क्या प्रेजेंट होता है, वाटर,
और यहाँ पे क्या है, ड्राई सॉइल है, ड्राई सॉइल है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ड्राई सॉइल है, तो ये होती है चीजें। तो मॉइस्ट सॉइल हो गई, मॉइस्ट वाटर सॉइल हो गई और ये ड्राई सॉइल हो गई, तो ये हमारा वाटर प्रेजेंट है, जो डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू थ्री। वेट ऑफ सॉलिड्स, वेट ऑफ सॉलिड्स की अगर हम बात करें तो डब्ल्यू थ्री माइनस का डब्ल्यू वन, डब्ल्यू थ्री माइनस डब्ल्यू वन, ये हो गया हमारा वेट ऑफ सॉलिड्स, यानी कि जो सॉलिड्स का वेट है वो हमारा डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू थ्री है। तो इस तरीके से हमने इसको फाइंड आउट कर लिया कि वेट ऑफ सॉलिड्स कितना है और वेट ऑफ वाटर कितना है। वाटर कंटेंट बराबर होता है वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड, तो जो वेट ऑफ वाटर में हमारा निकला उसको हम लोग ऊपर, और जो वेट ऑफ सॉलिड्स में क्या है, तो हम लोगों ने उसको इस तरीके से डिस्कस कर दिया। ये हमारा पूरा प्रोसेस हमारा वाटर कंटेंट को फाइंड आउट कर देता है। किसको फाइंड आउट कर देता है, वाटर कंटेंट को, हमारा ये पूरा प्रोसेस फाइंड आउट कर देता है। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस होगा वाटर कंटेंट को, हाउ वी कैन फाइंड आउट वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल।